बोलते हैं हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है, लेकिन इनके अंदर मम्मी पापा अंकल दोस्त और भी बहुत से लोग हैं जिनकी ताजा खबर ने मचा दिया सक्सेस का ढिंढोरा। एंटरटेनमेंट में सबसे पहले आता है जिसका नाम। प्लीज वेलकम माय टैलेंटेड फ्रेंड भुवन बाम। क्या हाल है ब्रदर? वेलकम टू धवन करेंगे होस्ट नहीं दोस्त का शो। क्या बात है। मैं अपनी जनता को पहले तो नमस्कार, और जिनको नहीं पता शिखर भैया और मैं हम एक दिल्ली की फ्लाइट में मिले थे फर्स्ट टाइम, और भैया उस टाइम अपने फुल लुक में एकदम शॉल वॉल में और पत्ते खेल रहे थे गब्बर वाली लुक में। तो मैं गया भैया के पास, मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और हम मिड एयर थे तो मैंने भैया से बोला, भैया क्या मजेदारी है 34,000 फीट पे आप मस्त शॉल ओढ़ के पत्ते खेल रहे हैं। तो भैया ने कहा कि हाँ कुछ एक चीज़ की कमी है। मैंने क्या है भैया? कह रहे हुक्का मिल जाता तो गुड होता बिल्कुल, लेकिन वो मिल नहीं सकता हुक्का वहाँ पे, और लकली मेरे को हुक्का पीने का शौक नहीं, बट जरूर पत्ते खेलने का बहुत शौक है। अच्छा तो फिर ये बताओ मैं आपको किस नाम से बुलाऊँ, भुवन टीटू मामा या मिस्टर होला? इतने सारे नाम हैं। आप मुझे जो सब लोग प्यार से बुलाते हैं भुवन, आप उसी से बुलाओ, क्योंकि टीटू मामा में लगेगी मेरे को मूंछ। हाँ जी। अच्छा। मिस्टर होला में मेरे को एक और गेटअप लगेगा, बाकी कैरेक्टर्स में मैं थोड़े गेटअप में रहता हूँ, लेकिन जब मैं ऐसे रहता हूँ तो सारे मेरे अपने मुझे भुवन। और आपका निकनेम भी है कोई घर का? नहीं, मुझे बाकी जनता यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे बीबी बुलाते हैं। बीबी? हाँ। आप भुवन बुलाओगे तो मेरे को ऐसा लगेगा बड़ा भाई बात कर रहा हूँ। क्या बात। और आपने अपने वीडियोज में इतने सारे कैरेक्टर्स करे हैं। हाँ। शुक्र आप क्रिकेटर नहीं हो, नहीं तो बैटिंग बॉलिंग विकेट कीपिंग सारा कुछ कर लेना था। नहीं नहीं, जो चीज आप लोग करते हो वो चीज बस की नहीं है, इसीलिए आप 100 करोड़ की आबादी में आप 11 की टीम है, किसी के बस की नहीं है जो आप कर रहे हो। आई फील कि हर एक इंसान अपनी मेहनत करता है, हर एक इंसान का अपना हुनर होता है। जी वो अलग बात है कि हम दोनों में हुनर ही बड़े सारे हैं, बहुत सारे हुनर धीरे धीरे बताएंगे लोग, धीरे धीरे अपने पत्ते खोलते जा रहे हैं हम। तो टैलेंट की बात हो रही थी तो मेरे को सुनने में आया कि आप शायरी भी करते हैं, आप लिखते भी बड़ा अच्छा है, तो हमारा एक सेगमेंट है महफिल धवन। तो अब हम बैठने से पहले हमेशा थोड़ी बहुत शायरी हो जाती है, मुझे भी थोड़ी शायरी का शौक है, ऐसे नहीं कि मुझे एकदम से आती है जी, बट मैं रिसाइट अच्छी कर लेता हूँ, तो अपने शौक सारे पुकारे तो मैंने कहा चलो शो पे भी शौक जारी रहने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो शायरी शुरू करते हैं, एक मैं आपको लाइन दूंगा, आप उसको आगे जोड़ना, डर ठीक है, कानों पे जो हाथ लगाया ना वाह। तो है कि वो कत्ल भी कर दे तो नहीं होते चर्चे, हम साला कुछ भी कर लें सिर्फ एक ही चीज होती है खर्चे। क्या बात है। एक और शेर फिर आपके लिए, एक और लाइन दूंगा मैं कि झूठे वादे नहीं प्यार करता हूँ सच्चा। अच्छा अच्छा ये तो बाबूजी बन के अच्छा इतना आपने दो मेरे पे फेंक दिए। हाँ जी। अब मैं आप पे एक बरसाता हूँ, ठीक है, बहुत मुश्किल है। हाँ जी। देख लेना आप कैसे हुआ, ठीक है। ए फॉर एप्पल, हाँ जी, बी फॉर बनाना, ए फॉर एप्पल बी फॉर बनाना, गैस हो जाए तो बाहर जाने का ढूंढते हैं बहाना। वाह भाई वाह, थोड़ा बिलो द वेट मारा भैया ने, लेकिन बहुत। कभी ऐसा हुआ स्लिप में हुआ कभी ऐसा? इसलिए तो बाहर से आया मैं। गुड वन। और हमारे शो की एक प्रथा है, जब भी गेस्ट आता है तो हाई फाई करता है मैं, स्टाइल है। डन डन डन। तो 1 2 3 तो इस शो की खास बात यह है कि हम दोनों एक दूसरे से कुछ भी पूछ सकते हैं, सिर्फ ये नहीं कि मैं क्वेश्चन पूछूंगा। सही बताओ। बिल्कुल सही। आपने जो इतने वीडियोस किए, इतने कैरेक्टर्स किए हैं, तो उसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आती है, कहाँ से दिमाग में आता है चार ये कैरेक्टर करना है? मैं अगर किसी ट्रैफिक सिग्नल पे हूँ, हाँ जी, और बगल वाली गाड़ी में कोई एक अंकल है वो किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, और दिल्ली में बातें मतलब होती हैं थोड़ी लाउड चीका चिल्ली वाली, हाँ जी, क्लेश हाँ कर रहा है फोन पे, बिल्कुल, तो उससे एक कैरेक्टर निकल के आ गया। अच्छा। एक कैरेक्टर है मेरा, उसका नाम है पापा माकीचू। वो नाम भी माकीचू नाम है। अच्छा। इसलिए नाम है क्योंकि उसका वो बात करता है थोड़े ऐसे तरीके से। अच्छा। थोड़ी आवाज में ऐसी बातें लेके आता है वो, क्योंकि वो दुबई में रहता है। अब जो टीटू मामा का कैरेक्टर है, टीटू मामा तो जनता को पता ही है वो मेरे असली मामा है, तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं मामा को किसी इवेंट पे अपने साथ मेरे गए में मामा, हाँ जी, तो वहाँ पे लोग मुझे जो दोस्त है आपस में वो मुझे देख के बोलते हैं, कह रहे यार ये आदमी बिल्कुल टीटू मामा जैसी एक्टिंग कर रहा है। मैं एक्टिंग नहीं कर रहा है, वो वही है। कि आप बचपन में आर्कियोलॉजिस्ट बनना चाहते थे? हाँ, ये नेट जियो देख देख के, उसमें से वो तूतन खामन की जो निकलती है वो कब्रें,
वो देख देख के मुझे लगता था अरे यार अगर मैं आर्कियोलॉजी कर लूँ दिल्ली में हाँ जी तो क्या पता लाइफ मुझे कहीं ऐसा ले जाए कि इजिप्ट में मैं भी जा रहा हूँ और मैं भी सीख रहा हूँ ऐसे। पर वैसा हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं। कॉलेज मुझे मिल गया, मेरे को मैंने हिस्ट्री किया है। अच्छा, तो लेकिन उसमें आर्कियोलॉजी वाला कुछ मिला नहीं। बड़े पढ़े लिखे और मेरे को ये बताओ भाई हमारे लिए मेरे लिए बड़ी बातें कॉलेज में हिस्ट्री करना ये करना। हम तो कॉलेज तक गए नहीं तो अलग बात है, स्पोर्ट्समैन का अलग रहता है। तो स्कूल की बात हो रही है तो आप टीचर की आपने मिमिक्री भी करी थी और टीचर बड़ी खुश हुई थी। हाँ, ये मेरे साथ बहुत होता था। मैं टीचरों की क्योंकि आप इतना समय बिता लेते हो अपने टीचर्स के साथ। हाँ जी, सबके साथ बातचीत होती थी तो सबके मैनरिज्म पकड़ लेते हैं आप। हाँ जी, कोई कैसे बात करता है, किस टाइम बच्चों से नाराज हो जाते हैं, ये सब मुझे पता था कि आज ये जिस तरह आए हैं ये आज पक्का सोने आए हैं, या तो आज ही आए हैं तो आज ये किसी की क्लास लेंगे आज। अच्छा जी। उस मूड से घर से आए तो ऐसे करके मैं टीचर को समझ लेता था। फिर तो फिर टीचर ने पकड़ा मिमिक्री करते हुए, पकड़ा ले गई। अच्छा, दूसरी क्लास में ले गई और मुझे बुलाया और मुझे बोला ये इनके सामने करके बताओ। अच्छा, फिर एक बार कर दिया मैंने, फिर मॉर्निंग असेंबली में खड़ा कर दिया पूरे स्कूल के सामने कि अभी इन इनकी मिमिक्री करेंगे। मैंने कहा मेरे नंबर वैसे ही कमाते हैं, ऊपर से तुम मुझे स्कूल से सस्पेंड करवा दो और अपनी टीचर सस्पेंड करवा दे तो फिर कैसा लगेगा। तो पर वो कितनी खुशी होगी है? बहुत खुशी। जैसे हमारे एक टीचर थे एएन शर्मा सर। हाँ जी। तो हमें हिंदी पढ़ाते थे वो। अच्छा, तो वो मुझे बामदेव बुलाते थे। उनको कुछ नहीं पता कि क्लास में क्या हुआ है, किस बच्चे ने क्या किया। बामदेव खड़े हो जा, इधर आ जा। अच्छा, इधर आके खड़ा हो। अच्छा, फिर मैंने पूछा, मैं ये सब होने के बाद स्कूल गया वापस। हाँ जी। तो मैंने सर से पूछा, आप हमेशा मुझे उठा के अपने बगल में, कह रहे जो बच्चे मुझे सबसे प्यारे होते थे। अच्छा, मैं उनको उठा के सबसे आगे बिठा देता था। क्या मैंने सर आप उल्लू बहुत बनाते हो आपको बस डांटना होता था मुझे। मेरे तो टीचर्स का प्यार ऐसा था भाई, बाहर खड़ा करवा दिया। हाँ, पिटाई होगी स्कूल में। उस वक्त तो स्कूल में पिटाई नहीं हुई, मैं बड़ा सीधा साधा बच्चा, आओ पढ़ाई करो, नंबर आए तो आए, नहीं आए तो ना आए और घर जाओ। और मुझे ये भी पता चला कि आपके कराची की स्टोरी है कि आप कराची से स्कूटर चला के आ गए। अरे यार ये तो, हाँ ये तो खैर जिनको नहीं पता मैं उनको उनके लिए एक बार दोहरा देता हूँ। ये वाली स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब बीबी की वाइन शुरू किया था मैंने। हाँ जी। मेरा जो पहला वीडियो वायरल हुआ था वो व्हाट्सएप के थ्रू वायरल हो गया था, कराची में, बांग्लादेश में, नेपाल में। अच्छा। फेसबुक पे मैं वो देख रहा हूँ कॉमेंट्स, कोई कॉमेंट इस्लामाबाद से, कोई रावलपिंडी से, कोई ढाका से। मैं कह रहा यार ये जहाँ मुझे कमानी है रोटी, हाँ जी, वहाँ के है ही नहीं। मैं ढूंढ रहा हूँ उसमें शर्मा, कनौजिया, वर्मा, ये तो मिली नहीं रहे। तो मैंने कहा चक्कर क्या है। तो वहाँ डीएम आता है, उसमें मुझे मैसेज आया फेसबुक पे, भाई साहब आपका मैंने हमने वीडियो देखा है और यहाँ पे सब लोग जिसके भी यहाँ पे, अगर कोई रिक्शे वाले भैया हैं, अगर कोई हलवाई हैं पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अगर कोई रिक्शे वाले हैं कोई, सबको पता है कि बीबी की वाइंस क्या है। क्या बात है। अच्छा जी, क्योंकि व्हाट्सएप पे वीडियो वायरल हो गए सर।